दोस्तों कैसे हो सकते हो, सब ठीक ठाक है? तो फ्रेंड अभी बारिश का सीज़न है और इस बारिश का सीज़न में मतलब ज़्यादातर बात को ठंडी लग जाता है और ये लोग पंछी खुला के बैठा रहते हैं। बारिश का सीज़न में क्या होता है, जो वेदर से होता है वो पूरा डैम्प्ड वेदर होता है, मतलब पानी पानी जैसे वेदर होता है। तो इस सिचुएशन में अपना जो कॉलोनी है, जो भी केज वगैरह, हमेशा कोशिश करना है ड्राई रखने की कोशिश करना है। बट पानी वगैरह इसमें अगर आ जाता है तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसी तो बारिश में हमेशा बारिश हो रहा है बाहर में, कॉलोनी के अंदर भी अगर ऐसे डैम्प रहेगा तो उसमें बारिश को बात को मतलब ठंडी लगने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करना है अपना जो कॉलोनी होता है, कॉलोनी को ड्राई रखने का कोशिश करना है और पानी पानी जैसा नहीं होना चाहिए। और हमेशा शाम को आपका जो पेज है उसको कवर करके रखना है, मतलब जो भी खिड़की वगैरह वो पूरा बंद करके रखना पड़ेगा, नहीं तो बाहर का जो ठंडी हवा आता है वो अगर एक बार बाँस को लग जाएगा तो फिर वो ठंडी पकड़ लेगा बाँस को। तो इसलिए बारिश का सीज़न में बाँस को थोड़ा ज़्यादा ही प्रिपेयर करना पड़ता है और एंटीबायोटिक आपको देना पड़ेगा अगर ठंडी से बचने के लिए। अगर एक बार ठंडी लग जाएगा तो कुछ नहीं कर सकता, तो ठंडी लगने से पहले आपको एंटीबायोटिक देना है, जस्ट मतलब उसमें ठंडी नहीं लगने के लिए, क्योंकि बात से एक बार ठंडी लग जाता है उस टाइम मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है उसको फिर ठीक करने के लिए। तो इसलिए बारिश का सीजन में हमेशा कोशिश करना है बात को अच्छे से रखने के लिए और हमेशा एक अच्छा जगह देना है, मतलब ड्राई प्लेस से रखना है बात को, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाता है। तो फ्रेंड समझ करता हूँ वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल का, आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए।